नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पे दोस्तों आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि पैरों में क्यों नहीं पहना जाता है सोना या सोने के गहने इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें रेड कलर का बटन है उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचें दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्या आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसे लाभ उठा सकें सोने के आभूषण की तासीर गर्म और चांदी की शीतल होती है आयुर्वेदिक के अनुसार मनुष्य का सिर ठंडा और पैर गर्म रहता रहना चाहिए इसलिए सिर पर सोना और पैरों में चांदी के आभूषण धारण करने से जो है आपको जो है राहत मिलेगी दोनों दृष्टि में सबसे ऊपर माना जाता है विवाह पूजा पाठ आदि संस्कारों में सोने के गहने बहुत ही शुभ माने जाते हैं वहीं पर उत्साह में सोने के गहने पहने जाते हैं लेकिन क्या ने कभी गौर किया है कि सोने के गहने पैर में क्यों नहीं पहने जाते हैं इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण छुपा है धार्मिक पहलू के अनुसार माना जाता है कि पीला रंग श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु को प्रिय है सोने में विष्णु का वास है इसी वजह से पीले रंग के आभूषण पैरों में पहनना वर्जित होता है सोने के मुकुट और अन्य गहनों को शरीर के अन्य हिस्सों पर धारण किया जाता है इसी कारण पैरों में सोने के गहने पहनने से बचना चाहिए सोने के आभूषण की तासीर जो है गर्म और चांदी की जो शीतल होती है आयुर्वेदिक के अनुसार मनुष्य का सिर ठंडा और पैर गर्म रहना चाहिए इसलिए सिर पर सोना और पैरों में चांदी के आभूषण धारण करना चाहिए इस सिर से उत्पन्न ऊर्जा पैरों में और चांदी से उत्पन्न ठंडक सिर में जाएगी इससे सिर ठंडा व पैर जो है वो गर्म रहेगा चांदी के पायल पहनने से पीठ एड़ी घुटने के दर्द हिस्टीरिया रोगों से राहत मिलती है सिर और पाँव दोनों में सोने के आभूषण पहनने से मस्तिष्क और दोनों पैरों में समान गर्म ऊर्जा प्रवाहित होती है जिससे इंसान रोगग्रस्त हो सकता है पायल चांदी की होनी चाहिए क्योंकि ये हमेशा पैरों से रगड़ते रहती है जो स्त्रियों की हड्डियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है इससे उनके पैरों की हड्डियाँ मजबूत बनती हैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार भागड़े को, को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए नमस्कार जय हिंद